जीके मस्ती एमएस में आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है। टीजीटी इंग्लिश के अंतर्गत विलियम वर्ड्सवर्थ कंप्लीट हो गया था। आज चर्चा होगी, पहला वीडियो होगा जॉन गल्सवर्थी पर। जॉन गल्सवर्थी से रिलेटेड 20 क्वेश्चन और उसका जीवन परिचय। पहला है क्वेश्चन, गल्सवर्थी 1893 में उससे मिले और उन्होंने एक लंबी मित्रता, लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप, मतलब जीवन पर्यंत उससे मित्रता स्थापित कर ली। कौन ऐसा व्यक्ति था? गल्सवर्थी 1893 में जिससे मिले और जीवन पर्यंत के लिए उसने उससे दोस्ती स्थापित कर ली, ऐसा कौन व्यक्ति था? तो ऐसा व्यक्ति था कॉनरेड, CONRAD, कॉनरेड। कॉनरेड के साथ में वो 1893 में मिले और उनसे जीवन पर्यंत के लिए अपनी दोस्ती स्थापित कर ली। दूसरा क्वेश्चन, गल्सवर्थी का जो पहला वॉल्यूम था जिसका टाइटल था फ्रॉम द फोर वाइंड्स, जो 1897 में दिखाई दिया, गल्सवर्थी का पहला वॉल्यूम जिसका टाइटल फ्रॉम द फोर वाइंड्स था, जो 1897 में दिखाई दिया, उन्होंने सिडोनिम के अंतर्गत ये लिखा था, मतलब छिपा के लिखा था अपना नाम, PSEUDONYM, सिडोनिम के हिसाब से लिखा था। तो ये जो है कौन सा सिडोनिम, क्या अपना सिडोनाम रखा था? तो इन्होंने सिडोनाम रखा था जॉन सिंजॉन के नाम से इन्होंने अपना पहला वॉल्यूम फ्रॉम द फोर वाइंड्स 1897 में प्रकाशित कराया। अगला है, गल्सवर्थी का पहला नॉवेल 1899 में प्रकाशित हुआ। कौन सा नॉवेल उनका पहला था जो 1899 में प्रकाशित हुआ? जॉसलीन, JOCELYN, जॉसलीन पहला नॉवेल था जो 1899 में प्रकाशित हुआ। पहला उपन्यास विला रूबेन, ये 1900 में, ए मैन ऑफ डेवन ए नाइट, ये 1901 में, और दी साइंस भी 1901 में ही आया था नॉवेल, लेकिन पहला नॉवेल जो था जॉसलीन, ये 1899 में आया। आगे चौथा लिखा है, आई रीड इन वेरियस चैम्बर प्रैक्टिस्ड ऑलमोस्ट नॉट एट ऑल एंड डिसलाइक माय प्रोफेशन थ्रोली। ये कौन कहता है कि मैंने वेरियस चैम्बर में पढ़ता हूँ और प्रैक्टिस करता हूँ, नॉट एट ऑल, सबकी नहीं लेकिन लगभग प्रैक्टिस कर लेता हूँ, और मैं डिसलाइक करता हूँ अपने प्रोफेशन को पूर्ण रूप से, अपने प्रोफेशन को पूर्ण रूप से डिसलाइक करता हूँ, ये कहने वाले हैं गल्सवर्थी। आई रीड इन वेरियस चैम्बर प्रैक्टिस्ड ऑलमोस्ट नॉट एट ऑल एंड डिसलाइक माय प्रोफेशन थ्रोली। तो ये गल्सवर्थी कहते हैं। नेक्स्ट है, पहला प्ले जिसने गल्सवर्थी को बड़ा फेमस कर दिया नाटककार के रूप में, वो कौन सा पहला प्ले है जिसने गल्सवर्थी साहब को नाटक के रूप में फेमस कर दिया? तो वो है द सिल्वर बॉक्स। सिल्वर बॉक्स ऐसा नाटक है जिसने बहुत फेमस कर दिया गल्सवर्थी को, ना जस्टिस ना लॉयल्टीज, सिल्वर बॉक्स ने बहुत प्रसिद्ध कर दिया। अगला है, गल्सवर्थी का रेपुटेशन एज ए नॉवलिस्ट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय, मतलब गल्सवर्थी की जो रेपुटेशन थी, जो प्रतिष्ठा थी एक उपन्यास के तौर पर, वो किस उपन्यास ने स्थापित की? तो दिस फॉरसाइट सागा उपन्यास था, दी फॉरसाइट सागा ने इनको उपन्यास के तौर पर स्थापित किया। क्वेश्चन नंबर सातवां है, लिटरेचर इज इट्स ओन रिवार्ड, साहित्य स्वयं में इनाम है, ये कौन कहते थे? लिटरेचर इज इट्स ओन रिवार्ड, लिटरेचर इज इट्स ओन रिवार्ड, लिटरेचर साहित्य जो है स्वयं एक इनाम है, पुरस्कार है, ये जो है कौन सोचते थे? ये गल्सवर्थी का विचार है। अगला है, गल्सवर्थी
1921 में क्या हुए, तो 1921 में गल्सवर्दी साहब जो थे वो प्रेसिडेंट बने पीईएन क्लब लंदन के। गल्सवर्दी 1921 में पीईएन क्लब लंदन के प्रेसिडेंट बने। अच्छा, गल्सवर्दी ने 1929 में कौन सा पद पाया, तो 1929 में गल्सवर्दी जो है ऑर्डर ऑफ मेरिट से नवाजे गए, ऑर्डर ऑफ मेरिट से नवाजे गए 1929 में जॉन गल्सवर्दी। नेक्स्ट, गल्सवर्दी का पहला प्ले कौन सा था, फेमस तो सिल्वर बॉक्स से या जस्टिस से हुई है, लेकिन पहला इनका जो प्ले था वो था द सिल्वर बॉक्स। कौन सा था, द सिल्वर बॉक्स। फाल्डर जो है वो किस में दिखाई देता है, फाल्डर जो पात्र है वो जस्टिस में दिखाई देता है। कौन सॉलिटरी कॉन्फाइंड है, जस्टिस में किसको अकेले सजा दी जाती है, अकेले रहने की जेल में सॉलिटरी कॉन्फाइनमेंट की, तो फाल्डर को ही सजा दी जाती है सॉलिटरी कॉन्फाइनमेंट की। अगला क्वेश्चन, इट इज ए पावरफुल सोशल ट्रेजेडी, मतलब ये एक पावरफुल सोशल ट्रेजेडी है। इट सैटराइज्ड द कंटेम्पोररी इंग्लिश सिस्टम ऑफ लॉ, ये व्यंग करती है समकालीन, मतलब जब ये लिखा गया उस समय के समय इंग्लिश सिस्टम ऑफ लॉ के ऊपर व्यंग करती है। पावर सोशल ट्रेजेडी है। इट्स हीरो सफर्स, इसका जो हीरो होता है, जो नायक होता है, वो बहुत ही बुरे दंड का संघर्ष करता है, बुरा दंड उसे दिया जाता है, और बुरा दंड होता है सॉलिटरी कॉन्फाइनमेंट का। तो वो कौन सा नाटक है, तो ना स्क्रीन गेम है, ना सिल्वर बॉक्स है, ये जस्टिस है जो एक सोशल ट्रेजेडी है और व्यंग करती है इंग्लिश सिस्टम ऑफ लॉ कंटेम्पोररी में, और जिसका जो नायक होता है फाल्डर उसको दिया जाता है सॉलिटरी कॉन्फाइनमेंट का दंड। अगला है, दी हीरोज ऑफ मिस्टर गल्सवर्दी ड्रामास आर दी अनसीन फैक्ट्स ऑफ मॉडर्न एग्जिस्टेंस अगेंस्ट विच वी पुअर मॉर्टल्स कैन बट पिटीफुली क्राई आउट इन ए मोमेंट ऑफ डिस्पेरेशन एंड हॉरर। ये कमेंट किसका है कि मिस्टर गल्सवर्दी के ड्रामा के जो हीरो हैं वो अनसीन फैक्ट्स हैं आधुनिक एग्जिस्टेंस के, आधुनिक एग्जिस्टेंस के अनसीन फैक्ट्स हैं मिस्टर गल्सवर्दी के ड्रामा के हीरो, और किसके विरोध में, वी पुअर मॉर्टल्स कैन बट पिटीफुली क्राई के मत में, जो वी पुअर हम लोग गरीब नैतिकता कर सकते हैं, वो पिटीफुली क्राई आउट, वो पिटीफुली दयनीय रूप से चिल्लाते हैं डिस्प्रेशन और हॉरर के मोमेंट में, वो बड़ी दयनीय तरीके से चिल्लाते हैं, गरीब मॉर्टल्स उनके साथ में है इसके खिलाफ। तो ये जो है कहने वाले हैं एलआर डाइस निकोल, ये जो कोटेशन कहा है, ये कमेंट जो है ये कहा है एलआर डाइस निकोल, ए डबल एल ए आर टी वाई सी, एलआर डाइस निकोल, द हीरोज ऑफ मिस्टर गल्सवर्दीज ड्रामाज आर द अनसीन फैक्ट्स ऑफ मॉडर्न एग्जिस्टेंस अगेंस्ट विच वी पुअर मॉर्टल्स कैन बट पिटीफुली क्राई आउट इन ए मोमेंट ऑफ डिस्प्रेशन एंड हॉरर। अगला है, गल्सवर्दी का कौन सा नाटक ग्रेट सेंसेशन और मुख्य रूप से पार्लियामेंट्री और ऑफिशियल सर्कल, गल्सवर्दी के अकॉर्डिंग उनका कौन सा नाटक जो है ग्रेट सेंसेशन करता है और मुख्य रूप से पार्लियामेंट्री एंड ऑफिशियल सर्कल्स को, तो वो है जस्टिस। कौन सा नाटक जो है ग्रेट सेंसेशन है और मुख्य रूप से पार्लियामेंट्री और ऑफिशियल सर्कल्स में, तो ये है जस्टिस। अगला है, जेम्स हाउ, वाल्टर हाउ, रॉबर्ट कुकसन, विस्टर काउले, फाल्डर, रूथ हनीविल, ये पात्र किस नाटक के हैं। जेम्स हाउ, वाल्टर हाउ, रॉबर्ट कुकसन, विस्टर काउले, फाल्डर, रूथ हनीविल, तो ये है जस्टिस के पात्र। अगला है, ही 23 इयर्स ओल्ड वीक विल्ड यंग मैन ऑफ नर्वस टेम्परमेंट, वह 23 साल का कमजोर इच्छा शक्ति वाला नर्वस टेम्परमेंट में जीता हुआ, वो एक रूथ के प्रेम में फंस जाता है
और फ्रॉड करता है चेक के साथ में, नौ की जगह पे नब्बे बना देता है और अंत में उसे दंड के तौर पर 3 साल की सजा मिलती है। तो ये कौन है? ये फाल्डर है। कौन है? फाल्डर। 18वां क्वेश्चन है, नो वन विल टच हिम नाउ, नेवर अगेन ही सेफ विद जेंटल रिसेस। ये कौन कहता है कि अब कोई उसे टच नहीं कर सकता, कभी भी नहीं टच कर सकता, अब वो क्रिस्ट जीसस के चरणों में सुरक्षित है। ये कहने वाले हैं कुक्सन, कहते हैं फाल्डर से, फाल्डर के बारे में कुक्सन साहब कहते हैं, नो वन विल टच हिम नाउ, नेवर अगेन ही इज सेफ विद जेंटल जीसस। ये कहते हैं कुक्सन साहब फाल्डर के बारे में। 19वां क्वेश्चन है, ए माइंड डज नॉट स्कम्ड लाइक दैट इन ए मोमेंट इफ ही इज ए क्लीन माइंड एंड हैबिट्स। He is rotten, got the eyes of a man who cannot keep his hands off when there is money about. ये स्पीच जो है जेम्स देता है किसके बारे में? जेम्स हाउ जो होता है वो किसके बारे में कहता है कि एक आदमी स्कम नहीं कर सकता, स्कम, a man does not scum, scumb, एक आदमी स्कम नहीं कर सकता है, लाइक दैट इन ए मोमेंट, इन पलों के तरह एक आदमी जो है स्कम नहीं कर सकता, इफ ही इज ए क्लीन माइंड, यदि वह क्लीन माइंड का है और क्लीन आदतों का है तो वो सड़ जाता है। एक आदमी स्कम नहीं कर सकता है दैट इन ए मोमेंट इफ ही इज ए क्लीन माइंड एंड हैबिट्स, अगर वो क्लीन माइंड और आदतों का है तो ही इज रॉटन, वो सड़ जाता है। गॉड द आईज ऑफ ए माइंड, उसे आदमी की आंखें प्राप्त होती है जो दिमाग नहीं रह सकता, when there is money about, जब उसे पैसे के बारे में पता चलता है, तो वो फाल्डर के बारे में कहते हैं जेम्स, a mind does not scum like that in a moment, if he is a clean mind and habits, he is rotten, got the eyes of a man who cannot keep his hands off when there is money about. 20वां और आज का लास्ट क्वेश्चन, लाइफ इज वन लॉन्ग टेम्पेशन, ये कौन कहता है कि जीवन एक लंबा लालच है? लाइफ इज वन लॉन्ग टेम्पेशन, ये कहने वाले हैं गल्सवर्थी, जस्टिस में कहते हैं। तो इस तरीके से आज के 20 क्वेश्चन हुए जॉन गल्सवर्थी से रिलेटेड, आज जीवन परिचय उनका देख लेते हैं। तो देर ना करते हुए, उनका जन्म जो है 14 अगस्त 1867 को हुआ था किंगस्टन अपॉन थेम्स में। 14 अगस्त 1867 को किंगस्टन अपॉन थेम्स में, थेम्स सूरे इंग्लैंड यूके में हुआ था। किंगस्टन अपॉन थेम्स सूरे इंग्लैंड यूके में हुआ था। मृत्यु 31 जनवरी 1933 को हुई थी। मृत्यु जो है 31 जनवरी 1933 को हुई थी, जब ये 65 साल के थे। मृत्यु लंदन इंग्लैंड में हुई थी और जन्म किंगस्टन अपॉन थेम्स सूर्य इंग्लैंड में हुआ था। मृत्यु 31 जनवरी 1933 65 साल की उम्र में हुई थी। पापा का नाम इनका जॉन गल्सवर्थी था, पिता का नाम ब्लेंची बेली था, बी एल ए एन सी एच ई, माता का नाम ब्लेंची बेली, पिता का नाम जॉन गल्सवर्थी। शिक्षा इन्होंने हारो और न्यू कॉलेज, जो हारो और न्यू कॉलेज से प्राप्त की। हारो और न्यू कॉलेज जो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से संबंधित थे। इनकी पत्नी का नाम एडा नेमेसिस पियर्सन कूपर था, एडा नेमेसिस एन ई एम ई एस आई एस पियर्सन पी ई ए आर एस ओ एन कूपर सी डबल ओ पी आर, तो एडा नेमेसिस पियर्सन कूपर के साथ में इनकी शादी हुई 1905 में। इनका एक फैशन है, 20वीं शताब्दी के इंग्लिश पोएट हैं, उपन्यासकार हैं और नाटककार हैं। 20वीं शताब्दी के इंग्लिश पोएट हैं, उपन्यासकार हैं और नाटककार हैं। सम्मान इनको क्या क्या मिला? 1929 में इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट का सम्मान मिला और 1932 में इनको साहित्य के लिए नोबल प्राइज मिला। 1929 के लिए ऑर्डर ऑफ मेरिट का सम्मान और 1932 में इनको साहित्य के लिए नोबल प्राइज मिला। और ऑनरेरी डिग्री जो है इनको कई विश्वविद्यालय ने दी,
जैसे 1922 में सेंट एंड्रूज ने दी, 1927 में मैनचेस्टर ने दी, 1929 में डब्लिन विश्वविद्यालय ने ऑनरेरी डिग्री दी, 1930 में कैम्ब्रिज ने, 1930 में कैम्ब्रिज ने दी और 30 में ही सेफील्ड ने भी दी, सेफील्ड विश्वविद्यालय, और 31 में ऑक्सफोर्ड और प्रिंसटन ने दी, 22 में सेंट एंड्रूज ने, 27 में मैनचेस्टर ने, 29 में डब्लिन ने, 30 में कैम्ब्रिज और सेफील्ड ने, और 31 में ऑक्सफोर्ड और प्रिंसटन दो यूनिवर्सिटी ने, 31 में और दो ने कैम्ब्रिज और सेफील्ड ने, 30 में 29 में डब्लिन ने और 27 में मैनचेस्टर ने और सेंट एंड्रयूज ने 22 में दी। ये तो इनको ऑनर्स मिले, 32 में नोबल प्राइज और 29 में ऑर्डर ऑफ मेरिट। 22 में सेंट एंड्रयूज विश्वविद्यालय ने ऑनरी डिग्री दी, 27 में मैनचेस्टर ने, 29 में डब्लिन ने, 30 में कैम्ब्रिज और सेफील्ड ने और 31 में ऑक्सफोर्ड और प्रिंसटन ने। इनका जन्म बहुत ही अमीर घराने में हुआ था। इनके पिता जो थे एक लायर थे, प्रसिद्ध वकील थे, सॉलिसिटर थे। 1881 से 1886 के मध्य तक इन्होंने हारो स्कूल ज्वाइन किया। 1867 में जन्म हुआ, 81 से 86 तक इन्होंने हारो स्कूल ज्वाइन किया और फिर अध्ययन ला का अध्ययन के लिए इन्हें न्यू कॉलेज भेज दिया गया। पहले हारो स्कूल 81 से 86 तक, फिर इनको अध्ययन के लिए हारो स्कूल भेज दिया गया। 90 में वो लिंकन्स इन में बार के लिए बुलाए गए। लिंकन्स इन, लिंकन LINCOLN, लिंकन्स में बार के लिए बुलाए गए 1890 में। 1891 में उन्होंने संसार की यात्रा की, दो वर्षों तक यात्रा करते रहे 1891 में, और दो वर्षों में विश्व की यात्रा पर निकले तो उन्होंने कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, एशिया और साउथ सी को खूब घूमा। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, एशिया और साउथ सी को दो वर्षों में 1891 में खूब घूमा। फिर 1895 में इनका अफेयर चालू हुआ एडा नेमेसिस पियर्सन कूपर के साथ में। एडा नेमेसिस पियर्सन कूपर के साथ में इनका लव अफेयर चालू हुआ, जो उनके भतीजे मेजर आर्थर गल्सवर्थी, जो उनके भतीजे मेजर आर्थर गल्सवर्थी की पत्नी थी एडा नेमेसिस पियर्सन कूपर, उनके साथ में इनका अफेयर चालू हुआ। 10 सालों तक अफेयर चलता रहा। 10 सालों के बाद में एडा नेमेसिस पियर्सन कूपर ने मेजर आर्थर गल्सवर्थी को डिवोर्स दे दिया और जॉन गल्सवर्थी और एडा नेमेसिस पियर्सन कूपर ने 1905 23 सितंबर को शादी कर ली। 23 सितंबर 1905 को एडा नेमेसिस पियर्सन कूपर और जॉन गल्सवर्थी ने शादी कर ली। मेजर आर्थर गल्सवर्थी को कूपर ने छोड़ दिया। फिर 1897 में क्या हुआ? 1895 में तो अफेयर चालू हो गया था, 1897 में उसने साहित्यिक करियर अपना शुरुआत किया और सबसे पहले 60 स्टोरीज का कलेक्शन लिखकर उसने साहित्यिक करियर की शुरुआत की 1897 में, और ये 60 स्टोरी का कलेक्शन का नाम था फ्रॉम दी फोर वाइंड्स, जो एक 60 स्टोरीज का कलेक्शन था, इससे इसने अपने साहित्य की शुरुआत की। इसने पेन नेम जॉन सिंह जॉन के नाम से इसे प्रकाशित कराया, अपना रियल नाम नहीं दिया, पेन नेम यानी जॉन सिंह जॉन के नाम से प्रकाशित कराया। जॉन सिंह जॉन का अर्थ होता है जॉन मतलब सन ऑफ जॉन, जॉन सिंह जॉन का मतलब सन ऑफ जॉन। लेकिन ये जो फ्रॉम दी फोर वाइंड्स एक कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज 1897 में इसने अपना साहित्य करियर शुरू तो किया जॉन सिंह जॉन के नाम से, लेकिन ये फेल हुआ। तब उसने कहा कि मेरा ये पहला पाप है, माई फर्स्ट सिन। जॉन गल्सवर्थी ने कहा इसे माई फर्स्ट सिन, ये मेरा पहला पाप है। सेवरल ऑफ हिज अर्ली नॉवेल्स वर पब्लिश्ड अंडर द स्यूडोनिम ऑफ जॉन सिंह जॉन। इसे फ्रॉम दी फोर वाइंड्स को इन्होंने अपना पहला पाप कहा था
और जो इनका नाम था, पेन नेम था, सीडोनिम जॉन सिन जॉन के नाम से इनके और भी कई शुरुआती जो उपन्यास हैं वो इसी नाम से प्रकाशित करवाए थे। फिर 1898 आया, 97 में भी ये फ्रॉम दी फोर वाइंड्स प्रकाशित हुआ। फिर 1898 आया और 1898 ने इन्होंने पहला अपना फुल लेंथ उपन्यास जॉसलिन प्रकाशित करवाया जॉन सिन जॉन के नाम से ही। 1898 में इन्होंने अपना पहला फुल लेंथ नॉवेल जॉसलिन प्रकाशित कराया जॉन सिन जॉन के नाम से ही। फिर 1904 आया, 1904 में इन्होंने अपने इस नाम को जो जॉन सिन जॉन था इस नाम को गुड बाय कह दिया और उन्होंने अपने रियल नाम से लिखना स्टार्ट किया। दी आइलैंड फेरजीज इनका पहला वर्क था जो जिसमें इन्होंने अपने रियल नाम से लिखना स्टार्ट किया। दी आइलैंड फेरजीज आइलैंड फेरजीज PHARIS EES दी आइलैंड फेरजीज पहला इनका कार्य था जिसमें इन्होंने अपना रियल नाम दिखाया। 1904 में जो इन्होंने छोड़ दिया अपना पेन नाम जॉन सिन जॉन। अब फिर 1906 आया, 1906 में इनको वास्तविक सफलता मिली। इनके पहला जो प्ले था द सिल्वर बॉक्स, 1906 में इनका जो पहला प्ले था उसमें इनको वास्तविक सफलता मिली। बाद में इसी वर्ष इनका पहला सक्सेसफुल नॉवेल भी आया, प्ले आया 1906 में द सिल्वर बॉक्स जिसमें इनका रियल सफलता मिली। और उसके बाद इनका एक सफल 1906 में सफल उपन्यास भी आया द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, ये भी इसी वर्ष प्रकाशित हुआ। और जो परिचय देता है दी वर्ल्ड संसार का टू दी फॉरसाइट सागा जो लिखने वाले थे उसके लिए इनको जो मैन ऑफ प्रॉपर्टी है उसका वो परिचय देता है। तो 1906 इनके लिए बड़ा लकी रहा, इनका पहला प्ले दी सिल्वर बॉक्स भी सक्सेस हुआ और इनका पहला जो उपन्यास, मतलब और भी उपन्यास पहले लिखे थे लेकिन उपन्यास जो सफल हुआ वो मैन ऑफ प्रॉपर्टी 1906 वाला ही सफल माना गया। फिर 1910 में इन्होंने जस्टिस प्ले प्रकाशित कराया जो गरीबी और क्लास इनजस्टिस को वर्णन करता है, मतलब गरीबों के लिए और वर्ग में जो अन्याय हो रहा है उसके लिए। 1914 में जब पहला वर्ल्ड वार हुआ यानी 1914 में प्रथम विश्व युद्ध होने के कारण वो अधिक बूढ़े हो गए थे, जब पहला विश्व युद्ध होने लगा तो फिर वो बूढ़े काफी हो गए थे इस वजह से वो लड़ नहीं सके, लेकिन उन्होंने घर पर ही जो डिसेबल्ड सोल्जर थे अयोग्य सोल्जर थे उनके लिए उन्होंने कार्य करते रहे अपने घर पर ही। फिर 1916 आया, 1916 में उन्होंने एक टूर किया किसका, स्लाउटर हाउसेस का मतलब अनाथालयों का उन्होंने टूर किया इंग्लैंड में और उन्होंने एक रिपोर्ट दी किस पर, इन ह्यूमन मेथड्स ऑफ स्लाउटरिंग एनिमल्स, जो जानवर रखे जाते हैं जानवरों के स्लाउटरिंग एनिमल उन्हें सॉरी कसाई खाना स्लाउटर मीन्स कसाई खानों का उन्होंने भ्रमण किया और फिर उन्होंने एक रिपोर्ट लिखी इन ह्यूमन मेथड्स ऑफ स्लाउटरिंग एनिमल्स के ऊपर। इन्होंने एक रिपोर्ट लिखी कब, 1916 में। 17 में इनको नाइटहुड की उपाधि दी गई प्राइम मिनिस्टर के द्वारा लेकिन उन्होंने उसे अस्वीकार कर दी। प्राइम मिनिस्टर उस समय लॉयड जॉर्ज थे, उन्होंने नाइटहुड की उपाधि देनी चाहिए लेकिन 1917 में जो नाइटहुड की उपाधि मिली थी उसे उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, यह कहते हुए कि वो लेख जो लिखते हैं वो अपने नीनाम के लिए स्वयं लिखते हैं, किसी पद के लिए या किसी उपाधि के लिए नहीं। राइटिंग वाज इन इटसेल्फ इट्स ओन रिवार्ड, साहित्य तो स्वयं एक इनाम होता है, ये नाइटहुड की उपाधि आप लॉयड जॉर्ज जी क्यों दे रहे हो, लेकिन ये जो है प्राइम मिनिस्टर वाज टू अनाउंस हिज नेम ऑन 1 जनवरी 1918, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने फिर भी 1 जनवरी 1918 को उनके नाम की घोषणा कर दी। फिर ये PEN यानी पोएट्स प्ले राइट्स एसोसिएशन मतलब एन इंटरनेशनल बॉडी, PEN का मतलब होता है एन इंटरनेशनल बॉडी ऑफ पोएट्स प्ले राइट्स एसिस्ट एंड नॉवलिस्ट
यानी पेन के ये पहले प्रेसिडेंट चुने गए 1921 में और इन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट भी 1929 में दिया गया। मतलब पहले जो फर्स्ट प्रेसिडेंट पेन के चुने गए, पेन का मतलब होता है एक, पेन क्या है, एक क्लब है जो इंटरनेशनल बॉडी है कवियों, नाटककारों, निबंधकारों और उपन्यासकारों का, तो उसके ये प्रेसिडेंट चुने गए और ऑर्डर ऑफ मेरिट से भी नवाजा गया 1929 में। 21 में पेन के प्रेसिडेंट, 1929 में ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट, ऑर्डर ऑफ मेरिट से नवाजा। 1932 में इनको साहित्य के लिए नोबल प्राइज मिला और वो इतने बूढ़े थे कि नोबल अवार्ड सेरेमनी को अटेंड नहीं कर सके और जितना भी धन उनको इस नोबल प्राइज के तौर पर मिला था उन्होंने दान कर दिया उस प्राइज मनी को, किसके लिए, टू ए ट्रस्ट मींट फॉर द बेनिफिट ऑफ पेन, जो पेन के लाभ के लिए ट्रस्ट चलता था उसके लिए उन्होंने जो 1932 में नोबल प्राइज की जो राशि मिली थी साहित्य के लिए उन्होंने सारी राशि जो है ट्रस्ट में दान कर दी PEN के बेनिफिट के लिए। फिर अपने जीवन के सात वर्ष अंतिम, अपने जीवन के अंतिम सात वर्ष उन्होंने बरी पे रहे, बरी में रहे, BURY, बरी में रहे, जो वेस्ट ससेक्स में पड़ता है, बरी एक स्थान है BURY, तो बरी में रहे जो वेस्ट ससेक्स में पड़ता है, और फिर ये ब्रेन ट्यूमर से इनकी मृत्यु हो गई लंदन के घर पर, एट हिज लंदन होम ग्रेव लॉज में हैम्पस्टन में, लंदन होम ग्रोव लॉज हैम्पस्टन में इनकी ब्रेन ट्यूमर से मृत्यु हो गई और उनकी राख को फैला दिया गया हवा में जैसी उनकी लास्ट इच्छा थी, उनकी जो अस्थियों की राख थी उसको फैला दिया गया हवा में जैसी उनकी अंतिम इच्छा थी। गल्सवर्दी को एक बहुत अद्वितीय आदत थी, वो ओल्ड नॉवेल को यानी पुराने उपन्यासों को नया नाटक बना देते थे, नाम चेंज करके पुराने उपन्यास को नया नाटक बना देते थे, सीन्स शिफ्ट कर देते थे, दूसरी जगह डायलॉग चेंज कर देते थे, लंबे कर देते थे। जैसे इनका जो अपने रियल नाम से इन्होंने पहला उपन्यास रखा लिखा था दी आइजलैंड फेरजीज 1904 में, पहला जो उपन्यास अपने रियल नेम से लिखा था दी आइजलैंड फेरजीज उसको उन्होंने नाटक बना दिया, क्या दी पिजन 1922 में आया दी पिजन कर दिया। तो इस तरीके से ये तो इनका जीवन परिचय हुआ, बार बार इसे देखें और लाभ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।